हिंद, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न उत्तर को देखेंगे, तो सभी छात्र अंत तक बने रहेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड किया हूँ, जितने भी वीडियो आप लोग को मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग अच्छे से जो है रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से कई सारे क्वेश्चन लगभग जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और बच्चों, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस देखिए स्लीपर कहां लगते हैं। देखिए, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है और ये कई बार क्वेश्चन जो है मैंने आपको याद करवाया है, रिपीट करवाया था। तो दोस्तों, स्लीपर जो होता है वो रेल की पटरियों पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंग्लैंड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि हिटलर कौन था। तो हिटलर कौन था दोस्तों, हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह शासक था, ठीक है, याद रखेंगे, जर्मनी का तानाशाह शासक था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको नोट करके इसको अच्छे से आप लोग रिविजन जरूर कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न जो है दिया गया है पांचवा नंबर कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था दोस्तों, फ्रांस का सम्राट था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगला प्रश्न है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों ब्रिटेन फ्रांस और रूस थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल सातवां नंबर है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था 22 गज होता है, तो ऑप्शन ए किसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट करके इसको अच्छे से रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर दिया गया है कि बक्सर कहां है। तो दोस्तों, यहां पे बस्तर पूछा गया है, बक्सर नहीं, बस्तर कहां है। तो बस्तर जो दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का कप्तान कौन था। तो दोस्तों, पहले क्रिकेट मैच का जो है कप्तान था वो सीके नायडू था। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन सका। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा ऐसा खेल है जो औपनिवेशिक खेल बन सका है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा क्रिकेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो दोस्तों, रोटी की टोकरी जो है अमेरिका को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही और सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, और जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के जो है वीडियो आप लोगों को मैंने बनाकर दिया है, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। साथ ही मॉडल पेपर को और गैसेस क्वेश्चन को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना। प्लेलिस्ट पर सारा वीडियो अपलोडेड कर दिया गया, आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारा वीडियो को जो है देख सकते हैं, क्योंकि आपका 2 दिन के बाद एग्जाम्स है और एग्जाम में इस बार आपको भी फोड़ना है, इस बार भी आपको अच्छे नंबर से पास होने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पे जो दिया गया है 11 नंबर मैंने अभी बताया, 12 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश को रोटी की जो है टोकरी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एक सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 13 नंबर दिया गया है कि ड्यूमा क्या है। तो ड्यूमा जो है वो रूसी संसद है, ठीक है, याद रखेंगे, रूसी संसद है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक इकाई के लड़ाई के रूप में जो है किया था। यानी कहता है कि किस व्यक्ति ने जो है खादी का प्रयोग करके ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है लड़ाई किया था, लड़ाई की शुरुआत की थी। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग रिविजन कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है कि आतंक का राज्य किसने स्थापित किए। तो आतंक का जो राज्य है वो किसने स्थापित किया था। तो लुइस सोलवा ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है
एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो वो है, तो वह कौन सा दोस्तों? वह जो होगा वह क्या होगा? वह प्रायद्वीप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है दो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, मवसीन राम। ऑप्शन नंबर जो है तीन इसका सही आंसर होगा, या मानिस राम भी कह सकते हैं, या उसी का जो है दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया है मवसीन राम। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और कहेगा कहां पर है, तो यह जो है मेघालय में स्थित है, इसको आप लोग रिवीजन कर लेना, नोट कर लीजिए कॉपी में। अगला प्रश्न दिया गया है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो है चार इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर दिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु के में उत्तरी मैदानों में चलने या बहने वाली पवन को निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, गर्मी के समय में जो है उत्तरी मैदानों पर जो वायु बहती है उसको हम लोग कहते हैं लू कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है तीन इसका सही आंसर होगा। या दोस्तों इसके अलावा जो है और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी के अनुरूप कहेगा कि ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा जो बहती है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है लू कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर यहां पे दिया गया है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कन्नड़। ठीक है, ये कई बार आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा चुका है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर होगा कन्नड़। अगला सवाल दिया गया कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर जो है दो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय जो है भारत के पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है एक जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के रांची जिले से जो है गुजरती है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। झारखंड के कहां से गुजरती है? तो रांची से गुजरती है, और सिर्फ यहां पे राज्य पूछा गया है, तो आपको यहां पे याद रखना है कि झारखंड से गुजरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल भारत में किस भाग में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिवीजन कर लेना। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, 59 वर्ष से अधिक वाले वर्ग को जो है आयु वयस्क के रेखा में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है, तो ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से सबसे कम वर्षा होती है, यानी भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है बच्चों? तो दोस्तों म्यांमार में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में जो है सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर जो है दो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस देश से आंग सान सू की का संबंध है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा म्यांमार। ठीक, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 30 नंबर दिया गया है कि भारत का संविधान कब बना? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को बना था, तो ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो भारतीय संसद का अंग कौन सा नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संसद के अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है चार इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, सरकारी अधिकारों को पानी के लिए रिश्वत देना। ये क्या है? ये सरकारी तरीका नहीं है, या लोकतांत्रिक तरीका ये नहीं है, ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 34 नंबर दिया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम आपको बताना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है एक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में जो है भारत के राष्ट्रपति काम करता है, कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है तीन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था
था कि प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग नोट करके इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन, इस वीडियो मैंने जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ ना, इसमें से आपका कई सारे क्वेश्चन देखना डायरेक्ट जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% जो है पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरी फुल गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो इसका आंसर आएगा 1956 को, ठीक है, ऑप्शन एक जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा प्रत्येक मतदाता को मात्र एक ही मत यानी एक ही वोट देने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संसद में कितने सदन है, तो भारतीय संसद में मात्र दो ही सदन है, जैसे कि आप लोगों को पता है एक होता है राज्यसभा एक होता है लोकसभा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है दो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो इसका आंसर जाएगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है तीन इसका सही व सटीक आंसर होगा। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अगला सवाल 41 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो बच्चों इसका आंसर जाएगा गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री क्या होता है कि राजनैतिक कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तीन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहां पे 42 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार देता है, तो भारतीय संविधान जो है इनमें से कौन सा अधिकार देता है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा निजता का अधिकार जो है देता है, ऑप्शन नंबर जो है चार इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है देखिए 43 नंबर कहता है हरित क्रांति क्या है, तो दोस्तों हरित क्रांति क्या होता है, कृषि का विकास का क्रांति है, ठीक है, तो कृषि में विकास, ऑप्शन नंबर जो एक इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है, भरसक आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 44 नंबर है, दिया है कि एक देश का श्रम शक्ति क्या है, एक देश का श्रम शक्ति होता है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो तीन होगा वो सही आंसर होगा, 15 से 59 वर्ष तक। अगला सवाल है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो खाद्य सुरक्षा का मतलब हो गया दोस्तों कि खाद्यान्न उपलब्धता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है एक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि NSSO का पूरा नाम लिखें, तो NSO का पूरा नाम आपको बताना है, तो बच्चों NSO का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तो ऑप्शन नंबर दो जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 47 नंबर दिया गया है कि बफर स्टॉप क्या है, तो बफर स्टॉप क्या होता है बच्चों, बफर स्टॉप का मतलब हो गया कि सरकार द्वारा जो है अधिप्राप्त अनाज का भंडार, तो ऑप्शन नंबर जो एक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 48 नंबर है कि किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है, तो किस हरित क्रांति के कारण जो है कौन सा खाद्य फसल जो है बढ़ा है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा चावल और गेहूं, ठीक है, या चावल तथा गेहूं, ऑप्शन नंबर जो तीन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 49 नंबर दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है, तो किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है, गेहूं चावल का वितरण किया जाता है, मिट्टी का तेल का वितरण किया जाता है, चीनी और कपड़ा का भी वितरण किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी जो है तीनों का जो है तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन को जो है वहाँ पे वितरण किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो चार इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न जो है 50 नंबर दिया गया है कि बहुविधि फसल प्रणाली क्या है, तो बच्चों बहुविधि फसल का प्रणाली का मतलब हो गया कि एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना, यही आपका जो है बहुविधि फसल प्रणाली है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका जो है सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के सोशल साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूं, अच्छे से मैंने आपको बताया, उसका उत्तर भी आपको दे चुका हूं, आप इसको अच्छे से रिविजन कर लेना। और आपको मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दिया है उसको आप लोग अच्छे से देख लेना और उसको अच्छे से आप लोग तैयार लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी लगभग 40% जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए बच्चों इसको आप लोग मिस मत करना, इसको आप लोग हर हाल में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।